नंबर है 9, ठीक है, पहला नंबर इसमें है हमारा 9, फिर कॉमा के बाद 9 के साथ फिर है, एक मिनट थोड़ा साइज हल्का सा, 9 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा माइनस 6 है, बोला है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपको ए बी की वैल्यू पता करनी है, ए बी की ना बोल के मैं बोलूं, आपको ए प्लस बी पता करना है, क्या पता करना है, ए प्लस बी कितना आएगा इसका आंसर, कितना होगा इसका आंसर, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, आंसर बता रहे हैं 3 है, ओके। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अगर आपको ये ए बी और फाइंड आउट करना, आप कह सकता है कोई बच्चा इसमें कि सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भैया है एनसीईआरटी क्वेश्चन, याद दिलाऊं, अगर मैं तुमसे ऐसे बोल दूं कि ये 9 है और ये दो बॉक्स बने हैं, इन ए बी की जगह बॉक्स बोल दूं और लास्ट में माइनस 6 है, अब बताओ याद आया कुछ, क्या याद आ गया ये एनसीईआरटी में बॉक्स वाला क्वेश्चन है, यस और नो, क्या आप सबको याद आ गया कि एनसीईआरटी में ऐसा बॉक्स वाला क्वेश्चन है? तो भैया बॉक्स वाला क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है, बॉक्स वाला अगर ये क्वेश्चन है, ये बॉक्स ऐसे बना हुआ है, जो बॉक्स है ये ऐसा, ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है तो उसी टाइप का हो गया है। तो कैसे करना है आपको समझते हैं, देखो अगर हमारे पास पहला नंबर 9 है, अगर ये हमारा पहला नंबर 9 है, तो ये 9 को हमने अगर कैपिटल ए मान लिया, फर्स्ट टर्म को फिलहाल मैंने कैपिटल 1 मान लिया, ए मान लिया, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते, एक तरीका और है मेरे पास, एक मिनट, ये हमारा 9 है, ये हमारा 9 है ना, तो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज अवर सेकेंड टर्म, दिस इज अवर थर्ड टर्म और दिस इज अवर फोर्थ टर्म, यस और नो, क्या ये हमें चार टर्म्स दे रखे हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ये हमें गिवन है। तो अगर मैं यहां पे ए वन की बात करूं, तो ए वन मुझे 9 दे रखा है, और ए वन को हम स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल ए की वैल्यू मुझे 9 दे रखी है, हालांकि ये स्मॉल ए और ये स्मॉल ए कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको फिलहाल ए वन ही लिखिए कि ए वन हमारा 9 है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे ए फोर गिवन है, ए फोर माइनस 6 दे रखा है, अच्छा ए फोर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना, माइनस का 6, यानी कि ए वन प्लस का 3d, आपने पढ़ा होगा कि जो ए फोर होता है वो ए प्लस 3d होता है, मतलब डी में जो होता है वो एक कम हो जाता है, जो डी होता है ना, डी में इस नंबर का एक कम होता है, पता ना, क्योंकि हमारा ए एन का जो फॉर्मूला है वो ए प्लस एन माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे डी में एक कम होता है, तो ए प्लस 3d हुआ। आप फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d लिखते हो, लेकिन मैंने फर्स्ट टर्म को ए वन बोला है, स्मॉल ए वन, ये माइनस 6 है, तो इसका मतलब है अगर ए वन को यहाँ पे 9 पुट कर दिया जाए तो हमारा डी कितना आएगा, ये उधर गया, तो माइनस 6 माइनस 9, तो 3d इक्वल टू माइनस का 15। क्या सभी बच्चों का डी जो है क्या वो माइनस का 5 आ गया है, क्या डी हमारा माइनस का 5 आ गया, जरा चेक करना सारे बच्चे, डी बताओ क्या डी की वैल्यू माइनस 5 आई है, क्या चेक करें सारे बच्चे मिलके, चेक कर लें क्या डी की वैल्यू माइनस 5 आई है क्या, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ए वन हमारा 9 है, ये माइनस 6 से 9 6 15 होते हैं, 3 से डिवाइड करा, क्या डी माइनस 5 आया, जरा कमेंट सेक्शन बताइए, आ गया माइनस 5 है, अच्छा अगर डी आ गया है तो हमें अगर सेकेंड टर्म चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए टू, तो हमें चाहिए ए प्लस बी, यानी ए टू चाहिए और ए थ्री चाहिए, तो भैया मेरा ए टू जो है जो कि सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म होता क्या है, क्या वो ए वन प्लस डी होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा 9 है, ए वन हमारा 9 है और डिफरेंस हमारा माइनस का 5 है, तो 9 में से 5 गया तो 4 आ गया, और ए टू को हमने स्मॉल ए बोला है, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब ए थ्री निकालते हैं, ए थ्री क्या होगा, ए वन प्लस का 2d, ए वन हमारा 9 है, 2 डिफरेंस हमारा माइनस 5 है, 9 माइनस का 10, क्या ये माइनस का 1 आ गया ए थ्री, क्या हमारा ए थ्री जो है वो माइनस का 1 आया, और ए थ्री को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बी है, अरे भाई वापस आ जाओ, बुरा नहीं, हाँ ठीक है, तो ये बी आ गया, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 1 आ गई है, बी हमारा कितना आ गया, माइनस का 1, तो अगर मुझे ए प्लस बी पता करना है, ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू माइनस 1 है, तो 4 माइनस 1
क्या आंसर थ्री आ जाएगा, क्या आंसर थ्री आ जाएगा, क्या आंसर थ्री आ जाएगा, चेक कर लें, क्या आंसर थ्री आ गया। तो योर आंसर विल बी थ्री, यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, थ्री के बराबर आ जाएगा, आंसर जो है वो थ्री के बराबर आ जाएगा। किस किस का आंसर थ्री आ गया।